आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के विकास क्षेत्र अखंड नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आज यहाँ स्टेट बैंक पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं सीधे लोगों से, बात क्या किसानों या आम जनमानस को होने वाली। देखिए, ये जो मोदी सरकार है, केवल इसलिए दो ही लोगों की सरकार है, अडानी सरकार, अडानी अंबानी मोदी, ये तीन ही लोग हैं। और ये जो जितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं प्लस LIC हैं, अगर ये अडानी समूह में निवेश हो जाएंगी, इसमें इससे जो जनता की गाढ़ी कमाई, जो जनता ने अपना पैसा जमा किया है LIC में जमा किया है, ये सारा अडानी ग्रुप में चला जाएगा। जनता में भुखमरी मर जाएगी। किसान वैसे बहाल इस सरकार से। हम लोग यही चाहते हैं, आज हिंदुस्तान में राहुल जी के आदेश पर हर राष्ट्रीय बैंक के सामने कांग्रेस पार्टी जो है अपना प्रदर्शन कर रही है, और अभी हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये भाजपा सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है, हम लोग पार्टी के आदेश पर, जैसा भी पार्टी का आदेश होगा, किसान का बड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे इनका अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे सीनियर ने बताया कि भूमि अधिग्रहण बिल जो वो था, उनको वापस लेना पड़ा, जब किसान की हत्या, 700 किसान मरे। अभी तो ऐसा कर रहा है, हम देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है। मालिक जब अपने घर को बनाता है, अगर उसका घर बिगड़ता तो मालिक को तकलीफ होती है। आज ये देश बेच रहे हैं। किसी दिन मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया, इस पर आप क्या कहते हैं? अरे मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, 70 साल में कांग्रेस नहर दिया, बिजली दिया, नौकरी दिया, थाना दिया, अस्पताल दिया, बैंक दिया, और क्या चाहिए? मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो कांग्रेस ने बनाया है, वो वही मोदी जी बेच रहे हैं 70 साल में। और सुनिए, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। मैं चरण चल रहा हूँ बुलाकर अखंड नगर होने के नाते, जिस अस्पताल में मोदी जी पैदा हुए हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया था। जिस अस्पताल में मोदी जी पैदा हुए थे वो कांग्रेस की देन है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति, हर देश का हर नागरिक जो है महंगाई पर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहा है, इस महंगाई पर आप क्या कहेंगे? जबकि अभी हाल ही में एक आपका त्यौहार बीता है, होली का त्यौहार, उस पर गैस सिलेंडर जो लगभग 1200 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से जनता का ध्यान हटाने के लिए तमाम नए नए स्वरूपों को जोड़ने का काम किया। आज पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि आज भारत की स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 के पहले थी। जिस समय हमारे देश में कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वही स्थिति आज हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी विद्वान ने कहा है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, बट नाउ दिस टाइम डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द मोदी, बाय द मोदी एंड फॉर द मोदी। सो वी शुड बी प्रिपेयर टू चेंज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन 2024 इलेक्शन। जैसा कि अभी हम आप इन लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द मोदी, बाय द मोदी एंड फॉर द मोदी। सो वी शुड बी प्रिपेयर टू चेंज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन 2024 इलेक्शन। जैसा कि अभी हम आप इन लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात किया, इन लोगों का कहना है कि देश की सरकार जो महंगाई पर जो है विफल है, बैंकों का निजीकरण कर रही है, इसके विरोध में ये लोग। एक सर आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ, अगर यह बिल गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेगी? हम डोर टू डोर कंपेन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सामने अपनी आवाज उठाएंगे कि अपना नुकसान होने से आपको बचना होगा, बचाना होगा, देश को बचाना होगा, आपको सड़क पर उतरना होगा और भारी से भारी प्रदर्शन विकसित करते होंगे जिस प्रकार से हमारे देश के किसानों ने किया था, और मजबूरन सरकार को यह फैसला वापस देना ही होगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं अखंड नगर के, ये बताइए आज ये जो आपके लोगों के द्वारा जो एक धरना किया जा रहा है, इसके पीछे जो राज्य, जो देश की सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है बैंकों का निजीकरण कर रही है, निजीकरण से क्या क्या खामियां किसानों या आम जनमानस को होने वाली, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मोदी सरकार